पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था, जो बिगनर्स के लिए जो एक्सरसाइज बताया था, और आपने देखा कि ये मैंने बताया था, आप जूम करके इधर दिखा सकते हैं थोड़ा, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर और अप डाउन स्ट्रोक। ये सब तार पे करना था, और एक मैंने ये एक्सरसाइज बताया था आपको, क्या है, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, आप ये तीनों पे करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप जूम करके अच्छे से दिखा सकते हैं इसको, मैं फिंगर्स कहाँ कहाँ पे दबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जैसे ओपन, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फिर वापस, फिर वापस। तो ये है, अगर आपने ये एक्सरसाइज कर लिया तो इससे आगे सारेगा में बजाना बहुत आसान होने वाला है। और इसमें ऑक्टिव जो है, जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तीन ऑक्टिव्स हैं, इसमें लोअर ऑक्टिव ग तक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ई कहते हैं। अब आप देखिए, सा, मिडिल सा, लोअर नी, सा, पा, लोअर पा, मा, फिर ग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ई, एफ, जी, ए, बी, फिर ये सी। और आप फिंगर देखेंगे कौन सी उंगली कहाँ पे जा रही है, फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर, सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर, थर्ड फ्रेट पे थर्ड फिंगर। तो आज वीडियो देखकर आपके लिए बजाना बहुत आसान होने वाला है। फिर से देखें आप, ये एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास का है, और ये आप एक्सरसाइज करें, और अगले पार्ट में मैं आपको सरगम सिखाने वाला हूँ इसमें। तब तक आप प्रैक्टिस करें और अगले पार्ट का इंतजार करें, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आगे सिखाता हूँ।